हाय हेलो एवरीवन, मैं रियाज खान, आप सबका स्वागत करता हूँ साउथ इंडियन मूवीज पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साउथ की सबसे बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन फिल्मों को आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अगर किसी मूवी के अंदर हमें लव स्टोरी और साथ ही रोमांस के साथ साथ अगर कॉमेडी और थोड़ा एक्शन देखने को मिल जाए तो इस मूवी को देखने का मजा डबल हो जाता है। इन टॉप 5 फिल्मों के अंदर आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आपको कन्फर्मली पता चल जाएगा कि कौन सी मूवी आपके लिए बनी है और आपको किस मूवी को देखना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको ऐसे ही मूवीज की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है ओ माय कडावुले। अनु, अर्जुन और मानी, ये तीनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और जब अर्जुन अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम क्लियर कर लेता है तो उस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग पार्टी करते हैं, और पार्टी के दौरान अनु उन दोनों को बताती है कि उसके फादर जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते हैं और इसी वजह से वो एक लड़के की तलाश में है। लेकिन फिर अनु अपने दोस्त अर्जुन से ही पूछ लेती है कि अगर वो उससे पसंद करता है तो वो उससे शादी कर सकता है। नमस्कार सीनियर, अनि पब्लिक कोड पाते में नी कोड அக்கா ने கூப்டி சார் சார் மேட்டர் கோ டிஸ்டர்ப பண்ணாத அனு நம்ம மணியே போடணும। अब पता नहीं क्या सोचकर अर्जुन अनु से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, और इनकी शादी के एक साल बाद ये दोनों कोर्ट में बैठे होते हैं। दरअसल अनु और अर्जुन दोनों ही अपनी शादी से खुश नहीं होते हैं और इसी वजह से अब ये दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। गाइस, इस मूवी की कहानी आपको फर्स्ट हाफ के अंदर तो बहुत ही सिंपल सी लगेगी, लेकिन इस मूवी की कहानी सेकंड हाफ के अंदर कब कॉम्प्लिकेट हो जाएगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा। बाकी 2020 में इस रोमांस और ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली 8.1 की, और ये मूवी आपको सोनी लिव ऐप के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर है कृष्णा एंड हिज लीला। सत्या नाम की एक ऐसी लड़की जो कि वाइजैक के अंदर रहती है, और वे एक दिन अपने बॉयफ्रेंड कृष्णा से ब्रेकअप करके बेंगलोर में मूव कर जाती है, यानी कि वो बेंगलोर में रहने चली जाती है। इसके बाद जब कृष्णा डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा होता है तो ये डिसाइड करता है कि वो मूव ऑन करेगा, और इसी दौरान कृष्णा की मुलाकात राधा नाम की एक लड़की से हो जाती है और फिर वो उसे डेट करना शुरू कर देता है। I love Satya too। और जब कृष्णा को बेंगलोर की आईटी कंपनी के अंदर काम मिल जाता है, यानी कि उसे जॉब मिल जाती है, तो फिर वो राधा को छोड़कर बेंगलोर चला जाता है, क्योंकि कृष्णा से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रही होती है, इस वजह से वो बेंगलोर में चला जाता है। अब क्या बेंगलोर के अंदर सत्या और कृष्णा की वापस मुलाकात होती है, अगर आपको ये जानना है तो आप इस मूवी को देखना। बाकी 2020 में इस रोमांटिक कॉमेडी मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 की, और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर है ची ला सो। अर्जुन नाम का एक ऐसा बैचलर लड़का जो कि शादी नहीं करना चाहता है, और वह प्राउडली ये क्लेम करता है कि वो भाईजान सलमान खान का फैन है और साथ ही हनुमान जी का भक्त है, इस वजह से वो कभी भी शादी नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन के पेरेंट्स उसकी जल्दी शादी करवाने के लिए उस पर हमेशा ही प्रेशर डालते रहते हैं, और अर्जुन का दोस्त सुजीत भी उसे फोर्स करता रहता है कि वो जल्दी से शादी कर ले। अब अर्जुन की मॉम भी कम नहीं होती है, वो अपने बेटे को बिना बताए ही उसकी डेटिंग कई सारी लड़कियों के साथ फिक्स कर देती है। पहले तो अर्जुन को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है, लेकिन जब उसके पास अंजलि नाम की एक लड़की आती है तो अंजलि के साथ टाइम बिताने के बाद अर्जुन को ये रियलाइज होता है कि अंजलि उसके लिए एकदम फिट है और वो उसके साथ शादी कर सकता है। अंजलि की कई सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी अर्जुन को उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसे अंजलि पसंद आ जाती है। दोस्तों, मूवी बहुत ही अच्छी है, और इस मूवी की जो लव स्टोरी है ना, वो बहुत ही टचिंग वाली है। बाकी 2018 में इस कॉमेडी रोमांस और ड्रामा मूवी को रेटिंग मिली है 7.7 की, और ये मूवी आपको सोनी लिव के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पर है भीष्मा। भीष्मा नाम का एक ऐसा लड़का जो दरअसल एक लड़की बाज होता है, और वो हर दिन एक लड़की की तलाश में भटकता रहता है कि कोई लड़की उससे प्यार कर बैठे और फिर वो अपनी कहानी आगे बढ़ाए। भीष्मा बहुत ट्राई करता है, लेकिन कभी उसे कोई लड़की नहीं मिलती। लेकिन एक दिन भीष्मा की किस्मत चमक ही जाती है, क्योंकि उसकी मुलाकात चेतन नाम की एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो एक पुलिस ऑफिसर देवा की बेटी होती है। और चेत्रा भीष्मा ऑर्गेनिक कंपनी के अंदर एक मैनेजर भी होती है। और अब आपको इस मूवी के अंदर यही देखना है कि भीष्मा चेत्रा को कैसे पटाता है, यानी कि उसे इम्प्रेस कैसे करता है। मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, अगर आपको पूरी कहानी को जानना है तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। बाकी मूवी की स्टार कास्ट में नितिन है और रश्मिका मंदाना है, और मूवी के अंदर इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, और इस मूवी के अंदर कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए वेलेना किशोर है, तो आप सोच सकते हो कि ये मूवी कैसी होगी। बाकी 2020 में इस ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी मूवी को रेटिंग मिली है 6.5 की, और ये मूवी
मूवी आपको नेटफ्लिक्स के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर वन पर है कातू वाकुला रेंदु कादाल। प्रभु जो कि एक टीवी शो का होस्ट होता है और उस टीवी शो का नाम होता है रियल और रील। और एक दिन प्रभु अपने टीवी शो पर दो ऐसी लड़कियों का इंटरव्यू लेता है जिनका नाम कानमानी और कातिजा होता है। और उन लड़कियों का इंटरव्यू लेने के बाद प्रभु की लाइफ के अंदर जो कुछ भी बदलाव आता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी मूवी की स्टार कास्ट में विजय सेतुपति है, स्मानता है और साथ ही नयनतारा है। तो आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि इस मूवी के अंदर कितना मजा आने वाला है। बाकी 2022 में इस रोमांटिक कॉमेडी मूवी को रेटिंग मिली है 5.6 की और ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। तो गाइज ये थी वो साउथ की सबसे बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी वाली फिल्म है जो आपको डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर जरा सा भी कुछ पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।